वार्म ग्रीटिंग फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग जीएसटी 9 के आइडियल एंड कॉम्प्लेक्स केस स्टडीज डिस्कस करेंगे ऑन इनवर्स सप्लाई, जिसमें टेबल नंबर 6, 7, 8, 12 एंड 13 इन्वॉल्व होगा। मैं सीएस केके अग्रवाल, आईसीआई एंड आईसीएसआई टैक्स फैकल्टी, जीएसटी ट्रेनर एंड कंसल्टेंट, एंड दीज केस स्टडीज हैज बीन डिजाइन विद द हेल्प ऑफ सीए विपन अग्रवाल, सीए जतन जैन एंड सीए आशु गर्ग। लेट अस डिस्कस। तो आगे का केस इस पहली के ऊपर डिपेंड करेगा। जो चीज आपके पास नहीं है वो ले नहीं सकते हैं, और जो है वो वक्त पे नहीं लिया तो वो गया। तो कवि जो कहना चाह रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपके पास आई का है तो आप सी और एस का ले नहीं सकते, और आई अगर है और वो वक्त पे आपने उसका क्रेडिट नहीं लिया तो वो भी गया। तो आई भी गया, सी और एस भी गया, सब कुछ गया। हुआ तो हुआ, जो चीज आपको कलेक्ट करना चाहिए और आपने कलेक्ट भी किया है, सही या गलत, इसका मतलब एक्चुअली में एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, उसको टैक्सेबल मान के उस पर जीएसटी कलेक्ट कर लिया है, तो आपको वो जीएसटी जमा करवाना पड़ेगा। और अगर नहीं भी किया है, यानी कि आपने सोचा ये एग्जेम सप्लाई है इसलिए टैक्स नहीं कलेक्ट किया, और डिपार्टमेंट सोचता नहीं तो टैक्सेबल है, तो वो भी जमा करवाना पड़ेगा। और अगर गलत कलेक्ट किया है, यानी कि आई की जगह सी और एस कलेक्ट कर लिया, या सी और एस की जगह आई कलेक्ट कर लिया, तो आप सही जमा करवाइए और गलत का रिफंड क्लेम कर लीजिए। तो आइए केस करते हैं, केस वन डिस्कस करते हैं। एज पर बुक्स आपके पास क्रेडिट सी और एस का है, 3B में आपने क्रेडिट आई का ले लिया 17-18 में, 18-19 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कैसे एंट्री करेंगे आप? तो ये केस हुआ तो हुआ का है। अब हमने एक बात बोली थी आपको, जो क्रेडिट आपके पास है ही नहीं, यानी कि आई का, वो आप ले नहीं सकते, और जो क्रेडिट है उसको टाइम पे नहीं लिया वो भी गया। तो यहाँ पर वही एक केस है, ये 100 आपके पास था ही नहीं तो आप ले नहीं सकते हैं, तो 100 क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट तो हो नहीं सकता आई सी और कैपिटल गुड्स में, तो ये आप 6M में लेके इसको 7H में रिवर्सल दिखला दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, 3B के साथ मैच भी कर गया। ये 50 रुपये का क्रेडिट, और यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होके आ भी नहीं रहा होगा, क्योंकि आपने 3B में कुछ एंट्री नहीं किया था 17-18 में, तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो गया, और एनुअल रिटर्न के बेसिस पे आपको क्रेडिट क्लेम भी नहीं कर सकते। अब चेकलिस्ट देख लेते हैं, आपके बुक्स अकाउंट्स में ये क्रेडिट आ रहा होगा, 3B में 100 आ रहा होगा, जिसको आपने यहाँ रिवर्स कर दिया, तो ये 100 रुपया आपको DRC 03 से जमा करवाना पड़ेगा। केस टू लकली ठीक हो गया, क्यों? क्योंकि एज पर बुक्स आपके पास सी और एस का क्रेडिट था और आपने आई क्लेम कर लिया, लेकिन 17-18 में ही किसी और महीने में, यानी कि मान लीजिए अगस्त में दिखाया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आपने ठीक कर लिया, आपको पता लगा कि होल आई तो मेरे पास था ही नहीं, तो इसको आपने रिवर्स कर दिया, जो था उसका क्रेडिट आपने टाइमली ले भी लिया। तो करेंगे क्या, कैसे? आपका 3B में ऑटो पॉपुलेट होकर 50 आ रहा होगा, 50 दिखला दीजिए, आई 0 आ रहा होगा क्योंकि प्लस माइनस 0 हो गया होगा, आई आपने गलत क्रेडिट ले लिया था जो 3B में नजर आ रहा है, तो 6M में दिखला के 7H में रिवर्सल कर दीजिए, बाकी तो सब कुछ ठीक हो ही गया कि टोटल ITC अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन 50-50 बुक्स के साथ मैच कर गया, आपको DRC 03 के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं देना होगा। केस 3 आसान है, एज पर बुक्स 50-50, 17-18 में आपने 100 क्लेम किया था, सी और एस नहीं क्लेम किया, लेकिन 3B के 18-19 में आपको पता लगा कि नहीं, हमने गलत किया था, और आपने 18-19 के 3B में इसको ठीक कर दिया, तो अब ऑटो पॉपुलेट होके 17-18 में, 17-18 का ही डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा 3B का, वो 100 आ रहा होगा, आप 6M में ऐड कीजिए, और ये 100 रिवर्सल आपने 18-19 में किया था, तो ये 12 नंबर पे रिवर्सल आएगा, 7H में रिवर्सल नहीं आएगा। 7H में रिवर्सल कब आता? जब आपने 17-18 में ही रिवर्सल किया होता, जैसे इस केस में आपने 17-18 में रिवर्सल किया, तो हमने 7H में कर दिया, क्लियर है? ये 50-50 का क्रेडिट आपने 18-19 के GST 3B में लिया है, तो ये 50-50-13 में आ जाएगा, अगेन डेटा मैच कर गया, आपको कोई भी DRC 03 में कुछ पेमेंट करवाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये भी हो गया, चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com। यहाँ पर आप एक्सेल शीट में, यहाँ पर जाएंगे तो एक्सेल शीट क्लिक करेंगे तो ये इतने सारे शीट्स हैं जो हम लोग बेचते हैं, और ख़ासकर ये GSTR 2A जो बहुत पॉपुलर है, ये एक्सेल शीट है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये GSTR 9 एनुअल रिटर्न, GSTR 9A का एनुअल रिटर्न, ये सब तमाम चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी GSTR 1 और 3 भी है, फिर बैंक स्टेटमेंट एनालिसिस है, GST रेडीमेड सॉल्यूशन है, तो तमाम चीज़ें इसके सबके वीडियो बनाए हुए हैं जिसको आप देख सकते हैं। और अभी GST प्रैक्टिशनर्स का एग्ज़ाम हो रहा है, कई सारे मेरे पास फ़ोन आए कि सर हम GST अच्छा सीखना चाहते हैं, तो आप वीडियो क्लासेस में जाइए और यहाँ पर नीचे में GST प्रैक्टिशनर का एक क्लास है, वीडियो क्लासेस है, जहाँ पर बुक्स प्लस वीडियो क्लासेस प्लस MCQ सब कुछ फ्री में देते हैं, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा तो इस तरह से बाय नाउ आएगा। 5000 मिनिमम 5000 है बाय नाउ, जब क्लिक करेंगे और ऑप्शन में 4 मंथ 6 मंथ 8 मंथ की वैलिडिटी देखेंगे तो ये प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो 1 ईयर का 10,000 है। और ये 120 घंटे से भी ज़्यादा का कोर्स है, तो ये 30-40 घंटे का कोर्स नहीं है, बहुत डिटेल्ड में है, एक एक हर एक एक्ट, CGST IGST एक्ट, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, रूल्स, सब रूल्स, सबसेक्शन, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है सर्कुलर के साथ। इसीलिए आपको कंप्लीट अगर GST नॉलेज की चाहिए तो ये पॉसिबल है, 30-40 घंटे में हो नहीं पाता है ये। चलिए, थैंक यू सो मच, बाकी केस लॉ भी डिस्कस करते हैं आपके साथ।